हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज 8 दिसंबर 2023 को बीपीएससी टीचर 2.0 का एग्ज़ाम था और फ्रेंड्स एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास है और देखिए फ्रेंड्स, जो जनरल स्टडीज वाला सेक्शन है जिसमें सभी के पेपर में 40 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए 40 नंबर का सवाल है और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूंगा, एनालिसिस करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, ये रहा बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पार्ट टू जनरल स्टडीज़, और देखिए जनरल स्टडीज़ में जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब 40 नंबर का पूछा जाता है, सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके भी पेपर में होने वाला है। और देखिए 31 से लेकर के 70 तक में यह दिया गया है। तो थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा दीजिए। देखिए स्पष्ट मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा, ध्यान से इसका एनालिसिस करिए, ठीक है ना। और कल जिनका पेपर है वो लोग इसी पैटर्न को फॉलो करिए, रिवीजन करिए। देखिए बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल की विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भी लगाया है उनका आंसर सही होगा। और देखिए अभी जो है पश्चिम बंगाल ने राज्य दिवस नामित करने का प्रस्ताव पारित किया है, किसको, तो पोइला बैसाख को, पोइला बैसाख, ठीक है ना। हो सकता है आगे पूछ लिया जाए पोइला बैसाख, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी, पोइला बैसाख को राज्य दिवस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन से हैं, तो ये आपका त्रिकोणाकार आकार है संसद भवन का, याद रखेंगे, और बिमल पटेल राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए 76वें कांस फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, तो ये फिल्म थी कुन बहल की फिल्म आगरा, ठीक है ना, कन्नू बहल की फिल्म, कन्नू बहल की फिल्म जो है आगरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांस फ्रांस में आयोजित होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अजाली ओसमानी अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष थे, वर्तमान अध्यक्ष, इन्होंने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 सबसे नया सदस्य बन गया है, G20 का अफ्रीकी संघ नया सदस्य बना हुआ है। और पूछा गया है कि ये जो अजाली ओसमानी हैं ये अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, एक तो ये अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो कोमोरोस के, कोमोरोस यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया भी गया था, ठीक है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है कब, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा, दिवस भी पूछा जा रहा है तो थोड़ा बहुत आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए 36 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे, तो बहुत लोग रास बिहारी भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए मोहन सिंह जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत आंदोलन जो है यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, उराव जनजाति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अगला प्रश्न कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए काली मिट्टी का विस्तार आपको पता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक गुजरात मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो यहाँ कर्नाटक भी है और यहाँ देखिए गुजरात भी दिया गया है, तो इस तरह से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिए भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब। चलिए एक बार सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो फ्रेंड्स ये जमा होता है आग्नेय चट्टान के, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल इनमें से दलहनी फसलें होती है, फलीदार फसल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, पूर्व पश्चिम गलियारे से,
तो फ्रेंड्स यह सिलचर और पोरबंदर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देख लीजिएगा कि एस्टेक्टाइट, यहाँ पर देखिएगा एस्टेलेक्टाइट, ठीक है ना, एस्टेलेक्टाइट और एस्टेलेगमाइट, क्लियर है, मैं लिख देता हूँ एस्टेलेक्टाइट, ठीक है, और ये वाला जो दिया गया है ये दिया गया है एस्टेलेगमाइट, ठीक है ना। तो एस्टेलेगमाइट और एस्टेलेगमाइट जो है यह स्थलाकृति बनती है, तो यह स्थलाकृति जो बनती है ये भूमिगत जल के रिसाव से होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए भूमिगत जल द्वारा दिया गया है। चलिए 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, तो यह विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 7 अप्रैल 16 सितंबर को, ठीक है ना, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो ये भारतीय संरक्षण के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 47 नंबर, ठीक है ना। देखिए ये 47 नंबर है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये बी डी सावरकर जी, आपको भी पता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 में, ये आपको भी याद होगा, ठीक है ना। बिरसा मुंडा यहाँ पर दिया गया है और एक ताना भगत दिया गया है, तो 1914 ताना भगत, बिरसा मुंडा 1899 के आसपास में, 1899-1900, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे पहले संथाल विद्रोह। चलिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो फ्रेंड्स ये सन्यासी विद्रोह का, ठीक है ना। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, तो ये बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन की जो विरोध में आपको स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, 7 अगस्त 1905 डेट आप याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित, देखिए ये प्रश्न कल पूछा गया था कि पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, अब गया में हुआ था 1922 में, कल वाले में मैंने बताया भी था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता भी हो गया होगा, जो लोग नहीं जानते वैसे सबको पता होगा ये। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास थे। बिहार से स्पेशल 4-5 प्रश्न पूछा जा रहा है, और देखिए जो घटना चक्र है ना बीपीएससी वाला आता है घटनाचक्र, जिसमें बीपीएससी की 69वीं तक का प्रश्न दिया गया है, वो मैंने आपको करवाया हुआ है, उसको करिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो ये स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किया था, डेविड हेयर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, डेविड हेयर। चलिए आगे बढ़ेंगे 54 नंबर करेंगे कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं, तो ये लॉर्ड कर्जन का है, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन किया था। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे, देखिए मैथ मेरी अच्छी नहीं है, मैथ का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, शायद ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी इसका, जिसने जिसका भी ये पेपर है ना इसका मैथ लगभग सही दिया गया है, मैंने भी चेक किया है बना के, ये वाला आप बनाइएगा एटीएम वाला, ये मेरे से नहीं बना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 49.5। फिर से मैं एक बार सभी प्रश्न को दिखा देता हूँ, आप लोग खुद से भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से प्रयास करिएगा बनाने का। चलिए 58 हो गया, यहाँ पर देखिए 59 हो गया। चलिए आते हैं 60 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए 60 नंबर, दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 दिया गया है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24-18। उसके बाद देखिए 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग खुद से भाई मिला लीजिएगा, ठीक है ना, मैथ वाला क्वेश्चन, मैथ मेरा वीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु कौन सा है, तो L1 होगा इसका सूर्य अवलोकन बिंदु। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी कि गांठ और पर्व होते हैं, ये पीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और पानी में इसे डुबाने पर कार्य करेगा। तो पानी में जब इसको डुबाया जाएगा ना, तो इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, और जब आवर्धन क्षमता कम होगी इसका मतलब क्या है, फोकस दूरी जो होगा ये बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका देखिए होना चाहिए बी, क्योंकि लेंथ इसका जो है बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा फोकस दूरी, जब इसका आवर्धन पानी में डुबाने पर घटेगी, और ये उत्तल लेंस की ही भांति कार्य करेगा। चलिए 66 नंबर करिए। 66 नंबर देखिए, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा दे सकता है, इसलिए क्योंकि होता क्या है, अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिएगा कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो ये आपको भी पता है कौन सा गुण, आवृत्ति नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न यहाँ से है कि, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा इसको। देखिए, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होगी, तो फ्रेंड्स ये सी बटा 137 जिन्होंने भी लगाया इनका आंसर सही है। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है ना, पता नहीं ये भाई बनाया है सही है या गलत है। अम्लीय जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, का रंग नष्ट कर सकता है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ये 70 प्रश्न है, शेयर कर दीजिए।